सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रो हब को इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग रिगार्डिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी आज हमारे पास एक डाइकन कंपनी का एसी का पीसीबी है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आउटडोर की पीसीबी है इसमें फॉल्ट है, आउटडोर चलता नहीं है, लेकिन इंडोर की जो पीसीबी है बिल्कुल ठीक है, ये चल रही है और ये कमांड भी दे रही है इसको चलने के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर रही। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमने इसको चेक करना है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले इस आउटडोर को चलाने के लिए हमें इंडोर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडोर की पीसीबी होती है जो डाइकन की, इस प्रकार की जो देख रहे हैं, इसमें ड्यूल फंक्शन होता है। पहला तो ये पीसीबी इस पीसीबी को स्विच ऑन करवाती है पावर सप्लाई ऑन होने के लिए, उसके बाद ये कम्युनिकेशन लाइन एस्टेब्लिश करती है और इस दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो आगे फंक्शन चलते हैं। तो पहले इसको जो कमांड मिलती है वो हमने चालू करना है, क्योंकि वो कमांड जे पीसीबी उठाती नहीं है। तो हम इसको इंडोर के एक बार साइड रख देते हैं और पहले आउटडोर को कैसे हमने चेक करना है। ये आउटडोर में हमने मेन लीड लगा रखी है, तो जब हम इसको मेन सप्लाई देंगे आउटडोर को, जैसे हम ये मेन लीड लगा रहे हैं अभी आउटडोर को, और लगाने के लिए ये मेन लीड लगाने से पहले जी इसका ट्रांसफार्म वगैरह सारा कुछ सेम ही लगाना है। ये सेंसर वगैरह लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाओ, और ट्रांसफार्म लगाना लाजमी है, ये लगाना पड़ेगा, और लगा के फिर इसको हम सप्लाई देंगे। ये मेन लाइन हमने दे दी है, उसके बाद क्या करना है कि इसको हमने स्विच ऑन करवाना है। स्विच ऑन करवाने के लिए हमें ये लाइन पॉइंट है ये वाला, और जहाँ पे ये कम्युनिकेशन प्लस स्विच ऑन ऑफ की ये वायर है रेड वायर, तो इसको हमने स्विच ऑन करवाने के लिए एक हम वायर फिक्स कर लेते हैं, और ये हमने मेन लगा दिया है। और वन टाइम हम जब ये एक और तीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई ऑन होनी चाहिए और परमानेंटली ऑन हो जानी चाहिए। ये हमने लगा दिए, ये एलईडी एक बार यहाँ पे जला और फिर बंद हो गया, फिर लगाएंगे, यहाँ पे ग्रीन एलईडी जलता है और बंद हो जाता है। लेकिन जब एक बार हम ये जम्पर ऐसे लगा दें और हटा लें तो इसको रेगुलर चलना चाहिए, तो ये रेगुलर नहीं चल रहा, इसकी ये प्रॉब्लम है। तो जेकर वन टाइम जब कमांड देगी ये इंडोर की पीसीबी इस आउटडोर को, तो इसकी जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है वो चल जानी चाहिए और उसके बाद कम्युनिकेशन होगा इंडोर और आउटडोर में। लेकिन जब ये इंडोर पीसीबी कमांड दे रही है आउटडोर को, तो ये कमांड ले तो लेती है लेकिन उसको बना के नहीं रख पाती, तो उसको हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए हम ये मेन लीड निकाल देंगे और इसको देखकर आप प्रेस करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये एक रेड वायर देख रहे हो, रेड वायर जो कम्युनिकेशन प्लस स्विच ऑन करवाने के लिए इंडोर का सिग्नल जहाँ पे आता है, और जहाँ पे ये दो काम ये वायर के थ्रू होते हैं। ये रेड वायर है जो इस रिले के एनसी पॉइंट पे अटैच्ड है, परमानेंट अटैच्ड है, और इसी रिले का कॉमन है जो ये कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट के आगे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, और रेजिस्टेंस के आगे ये एक डायोड लगा हुआ है, और डायोड ये जो ये डायोड है इसका जो पॉजिटिव है इस कैपेसिटर से अटैच्ड है। जब यहाँ पे हम वन टाइम जंपर देते हैं इस वायर पे इधर, तो यहाँ पे फेस आता है, फेस
इस रिले से निकल के इस रेजिस्टेंस के थ्रू या एसी से डीसी होके इस कैपेसिटर को चार्ज करता है, और चार्ज जब ही चार्ज होता है तो ये SMPS पावर सप्लाई बनने लगती है। 5, 12 और 15 वोल्ट बनते हैं। जब बनते हैं तो इस रिले को 12 वोल्ट मिलते हैं तो ये ऑन हो जाती है। जब ये ऑन होती है रिले तो इसकी सीधी लाइन जो NO पॉइंट और कॉमन पॉइंट दोनों जुड़ जाते हैं और ये सप्लाई लाइव हो जाती है इधर। तो ये लाइव नहीं हो पा रही, ये रिले ख़राब होनी चाहिए, तो हम इसको निकाल के इसकी जगह नई रिले लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो इस रिले का जो काम मैंने बताया कि इस SMPS पावर सप्लाई को लाइव करना, जो पीछे से मेन लाइव डायरेक्ट लाइन आएगी उससे अटैच करना और स्विच ऑन करना, तो इस रिले का काम हो गया। उसके बाद जब ये SMPS सप्लाई बनने लगती है और ये माइक्रो कंट्रोल अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता है, तो उसके बाद ये बड़े वाली रिले जो इसका NO पॉइंट और कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों रिले ऑन होने के बाद जुड़ जाते हैं। जहाँ पे जो मेन ब्रिज रेक्टिफायर बड़ा लगा हुआ है उसके थ्रू AC से DC इस कैपेसिटर पे आती है और आगे के फंक्शन चालू होते हैं। तो इस PCB में मेन रोल इस रिले का होता है, जेकर ये फॉल्टी हो जाए तो आगे कुछ भी काम नहीं करेगा और कभी चलेगी कभी बंद हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम इस रिले को चेंज करते हैं, चेंज करके आगे का फंक्शन चेक करते हैं। तो इस सेम इस तरह की रिले हमारे पास नहीं है, जो है उसका एक पॉइंट नहीं है, NO पॉइंट नॉर्मल ओपन पॉइंट नहीं है। तो इसकी जगह हम ये सिंपल एक छोटी रिले होती है ये लगा देंगे और ये निकाल देंगे, और लगाने में थोड़ा टाइम जाएगा तो हम लगा के फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा होस्ट डिस्क्राइब कर दीजिए। ये रिले बदलने से पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जब ये दोनों इधर हम जहाँ पे जम्पर देते हैं इस पे जम्पर देते हैं तो ये स्विच बोर्ड पावर सप्लाई ऑन होती है। उसके बाद ये पावर सप्लाई ऑन होती है, ऑन होते ही जहाँ पे रिले पे 12 वोल्ट आने लगते हैं, आने से ये चिपकती है रिले। तो इस कंडीशन में ये 12 वोल्ट अभी आ रहे हैं, मतलब कि पावर सप्लाई बंद ही है, तो ये रिले इस साइड ये परमानेंट जुड़ चुकी है, इसलिए ये सर्किट काम नहीं कर रहा, इसी कारण हम ये चेंज कर रहे हैं। ये दो पॉइंट कॉइल के हैं, इस रिले के ये दोनों पॉइंट कॉइल के हैं और इस रिले के ये दोनों पॉइंट कॉइल के हैं, और ये बीच वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है, और इस रिले का ये बीच नीचे वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है, और इस रिले का जो नॉर्मल क्लोज ये वाला है NC पॉइंट, और इस रिले का NC पॉइंट ये वाला है,
और एनओ पॉइंट ये वाला, और इस रिले का एनओ पॉइंट ये वाला, तो सेम कनेक्शन हमने देख के लगा देनी है रिले। तो इन दोनों रिले की वैल्यू भी सेम ही है, सेम एम्पेयर का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम लगा देते हैं। तो इसको रिले को हम ग्लू लगा के जोड़ देते हैं नीचे। तो ये रिले हमने फिक्स कर ली है। अभी हम इसको मेन सप्लाई देके चेक करेंगे वही फंक्शन। तो ये हमने लाइन दे दी है, लाइन देने के बाद हम उसी तरह फिर लगा रहे हैं जम्पर। तो ये लगा के हटा दिया हमने, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो करने लगा, ग्रीन कलर का एलईडी ग्लो कर रहा है। तो हमने वन टच किया सिर्फ। तो इस पीसीबी में ये रिले की प्रॉब्लम थी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर डाइकन की इस तरह की पीसीबी में कोई फॉल्ट आ जाए, इसी तरह जैसे इसमें ये रिले खराब थी, तो सब ये रिले चेंज करने से पहले आपने ये ब्रिज रेक्टिफायर और आईपीएम चेक करना है। अगर ये दोनों ठीक हैं तो फिर ये रिले चेंज करनी है। अगर ये फॉल्टिंग है तो पहले इनको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये रिले डालो, और जब ये SMPS पावर सप्लाई ओके हो जाए उसके बाद ये IPM वगैरह नया डालो। ठीक है, तो जो इसका फॉल्ट रिकवर हो चुका है, तो अब हम इसको इंडोर से जोड़ के चेक करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर लिया है, और इस तरह की ये छोटी डाइकन की पीसीबी है इंडोर की। तो इस पीसीबी में चेक टेस्ट करने में एक प्रॉब्लम ये और भी आती है, वो आती है इसको मोटर जब लगाते हैं। तो ये हम मोटर लगा रहे हैं इसकी, और इस पीसीबी में ये 6 वायर होते हैं, 6 वायर होते हैं मोटर के, और 6 में से ये 3 जो बिल्कुल पास हैं, ये हॉल सेंसर के हैं, जो इस मोटर में हॉल सेंसर होता है। और ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 फेस हैं, और ये 3 फेस इस चिप ये IPM छोटा सा लगा हुआ है मोटर का, जो इस मोटर को ड्राइव कराता है। इस मोटर के अंदर IPM वगैरह कुछ नहीं होता, जिसका IPM ये बाहर लगा हुआ है, और ये 3 फेस इस मोटर को मिलते हैं तो ये मोटर चलती है। और ये 3 वायर हैं जो ये हॉल सेंसर के हैं, जो इस PCB को बताता है कि मोटर कितने RPM पे चल रही है। और इसमें दिक्कत ये आती है, जब भी हम इस PCB को चलाते हैं मोटर, तो ये मोटर रुक रुक के चलेगी। जेकर इस पर वेट नहीं डाला तो इसको रूटीन में चलाने के लिए हमें वेट डालना पड़ता है। चलाने के लिए हमें ये वेट डालना पड़ता है, जैसे ये एक ब्रंट मोटर है, सड़ी हुई है ये मोटर। तो इसको हमने इसको कपल कर दिया है, कपलिंग कर दी है, जोड़ दिया है। जितना इस मोटर का लोड है लगभग उतना ही जो ब्लोअर होता है इस मोटर पे इंडोर में, उतना ही ये वेट लेगी मोटर, तो ये स्मूथली चलेगी। अगर हम ये मोटर हटा देंगे तो ये पूरे राउंड नहीं लेगी, ये रुक रुक के चलेगी, जिसके कारण ये IPM के ख़राब होने के बहुत बड़े चांस बढ़ जाते हैं। तो अब हमने ये जोड़ लिया कनेक्शन,
इसको हम चित्र ऑन करेंगे, लेकिन सिर्फ हम इसका ये स्विच ऑन ऑफ और कम्युनिकेशन सर्किट ही चेक करेंगे, और इसको हम इस पर कंप्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पर हीट सिंक नहीं लगाई गई है। अगर हीट सिंक हम लगा देंगे तो हम कंप्रेशर भी चेक कर पाएंगे, लेकिन ये एरिया बिल्कुल सही होगा, हमने आईपीएम चेक किया हुआ है और इसका हमने स्विच ऑन ऑफ और कम्युनिकेशन चेक करना है, तो वो हम इस तरह चेक कर लेंगे। तो इसको देते हैं मेन सप्लाई, यहाँ पे जो हमने जम्पर लगाया था वो हटा दिया, तो ये हमने सप्लाई दे दी है। तो यहाँ पे इंडोर का एलईडी ग्लो हो गया, और ये पीसीबी को स्टार्टअप मिल गया है, और अभी कम्युनिकेशन होगा दोनों पीसीबी के बीच, इंडोर और आउटडोर में के बीच में। जब कम्युनिकेशन हो जाएगा तब ये इंडोर मोटर चलेगी। कम्युनिकेशन हो गया और ये मोटर चलने लगी है। तो ये पीसीबी ओके हो चुकी है, ये ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है, आईपीएम वगैरह हमने चेक किया सब कुछ ठीक है, तो ये पीसीबी ओके है। तो ये पीसीबी ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, जेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का ऑल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।